नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस श्रृंखला में। जैसा कि पूर्व श्रृंखला में हमने जाना संधि पर, यानी संधि का प्रकरण चल रहा है। इससे पूर्व की श्रृंखला में हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि। आज हम जो बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि पर, यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है और व्यंजन संधि कैसे होती है, यानी व्यंजन संधि कहते किसे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, यानी संधि से तात्पर्य है दो वर्णों के पास पास आने पर उसमें जो विकार या कह सकते हैं कि परिवर्तन होता है, उसे ही संस्कृत में हम संधि कहते हैं। अर्थात यानी जो दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा संधान को हम संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन वर्णों के, यानी स्वर संधि, स्वर वर्णों के योग से बनने वाली संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ही जो व्यंजन वर्ण हैं, यानी व्यंजनों का व्यंजन से अथवा स्वर से जो मेल होता है, उस मेल के द्वारा जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जहाँ पर व्यंजन वर्णों का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन संधि को समझने के लिए हमने पहले जो है व्यंजन वर्णों को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो व्यंजन वर्ण हैं उन व्यंजन वर्णों के ज्ञान के बिना हम संधि को हम भली भांति नहीं जान सकते हैं। यहाँ हम आपको स्लाइड के माध्यम से व्यंजन संधि बतलाने जा रहे हैं। यानी जो व्यंजन संधि है उस व्यंजन संधि में कुल 33 वर्ण हैं। यानी जो व्यंजन वर्णमाला है उसमें कू चू टू तू पू, यानी क वर्ग, यानी क वर्ग के अंतर्गत आया हमारा क ख ग घ, यानी च वर्ग, यानी च वर्ग के अंतर्गत आया च छ ज झ ञ, यानी ट वर्ग आया तो ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, यानी प वर्ग प फ ब भ म, यानी ये हो गए कू चू टू तू पू। यानी अब यण, यानी य र ल व, जिसे हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। और अगला है ऊष्र वर्ण, यानी ऊष्र वर्ण किसे कहेंगे, स स ष और ह, और संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्ताक्षर स त्र और ज्ञ। यानी इस प्रकार से हम जो वर्णमाला है इस व्यंजन वर्णमाला को हमने जाना। अब जो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत जिन संधियों को हम इस श्रृंखला में जानेंगे, उन श्रृंखलाओं में जो पहली संधि है वह है स्युत्व संधि और स्टुत्व संधि, पदांत जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि, अनुनासिक संधि, लत्व संधि, चृत्व संधि, छत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार परसवर्ण संधि, डमुट संधि और विशिष्ट रुत्व संधि। इन संधियों को हम विशेष तौर पर व्यंजन संधि के अंतर्गत जानेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत जो आती है वह है स्युत्व संधि। यानी स्युत्व संधि कैसे होती है और उस स्युत्व संधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला सूत्र कौन है, यानी जो स्युत्व संधि है उस स्युत्व संधि को प्रतिपादित करने वाला सूत्र है स्तोस्यु नास्युः। अर्थात जो सकार, यानी दंत सकार और त वर्ग के बाद, हमारा दंत सकार और तौ वर्ग के बाद यदि तालव्य सकार और चौ वर्ग का योग होता है तो उस दंत सकार को तालव्य सकार और तौ वर्ग को चौ वर्ग हो जाता है। कैसे? अब हम इसे स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्व पद के अंत में सकार हो और तकार हो, स त थ द ध न, और उत्तर पद के आदि में यदि स च छ ज झ ञ हो तो तब जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के वर्णों का जो परिवर्तन होगा वह क्या हो जाएगा, स च छ ज झ और ञ। यानी जो पूर्व पद में यदि सकार आएगा तो उसे क्या हो जाएगा, सक हो जाएगा। यानी उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए जैसे उदाहरण है रामस्येते, रामस्येते में आपने देखा कि जो रामस धन सेते, अब यहाँ पर जो रामस है
उस रामस में जो है क्या है, रामस में क्या आया, 100, और सेते में 100। यानी जो रामस का 100 है और सेते का 100 है, तो उसको क्या हो गया, जो ये पूर्व पद के अंत में क्या है, सकार है, तो उत्तर पद के अंत में भी क्या आया, सकार है, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर इस्युक्त संधि हो गई। इसी प्रकार जैसे सच्चित शब्द है, तो सच्चित शब्द को हमने संधि करा, तो सतधन चित, यानी जो तकार है उस तकार के बाद, यानी पूर्व पद में तकार आया और उत्तर पद में क्या आया, च, यानी जो पूर्व पद में यदि क्या होगा, तो होगा, और उत्तर पद में यदि च होगा, तो उसे क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा, तो शब्द क्या बना, सच्चित। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, रामस धन चिनौती। अब रामस चिनौती में देखिए आप, सकार है, उस सकार के जो पूर्व पद के अंत में क्या है, सकार है, और उत्तर पद में क्या है, चकार है, तो उस सकार को क्या बन गया, जो सकार है उस सकार को क्या हो गया, स हो गया, तो क्या शब्द क्या बना, रामस चिनौती। इसी प्रकार रामस शब्द है, तो रामस धन चौ, तो आपने देखा कि पूर्व पद में क्या है, स है, और उत्तर पद में क्या है, चौ है, तो क्या बन गया, सकार हो गया। तो ऐसे ही दुष्चरित्र शब्द है, तो दुष्चरित्र शब्द में क्या आया, दुष्धन चरित्र, दुष्धन चरित्र, तो दुष में सकार और चरित्र का चकार, तो शब्द क्या बना, दुष्चरित्र। ऐसे ही सज्जन शब्द आप देख लीजिए, सत धन जन, ऐसी धनंजय शब्द देखिए, धनिंधन जय। तो इस प्रकार से जो इस्युक्त संधि है, उस इस्युक्त संधि में एक उदाहरण और देखिए, सच्चरित्र शब्द है, तो सच्चरित्र में देखा आपने सतधन चरित्र शब्द है, तो सच्चरित्र में क्या आया, चकार और तकार, तो सकार को क्या हुआ, जो सत में जो तकार है उसके बाद क्या आया, चकार आया, तो तौ पूर्व पद में यदि तौ होगा और उत्तर पद में यदि चौ होगा, तो क्या हो जाएगा, उसे चकार हो जाएगा, तो शब्द क्या बना, सच्चरित्र। ऐसी कश्चित शब्द है, कस धनचित, तो कश्चित में आपने देखा कि कस का सकार और चित का चकार, तो शब्द क्या बन गया, क्या हुआ वहां, सकार, तो शब्द क्या हुआ, कश्चित शब्द बना। जब हमने देखा कि जो पूर्व पद है, उस पूर्व पद यानी जो दंत सकार है, यानी जो दंत सकार और तौ वर्ग है, उस दंत सकार और तौ वर्ग के बाद यदि तालव्य सकार होगा और च वर्ग होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा सकार और चौ वर्ग, यानी सकार का मतलब तालव्य सकार, और सकार को तालव्य सकार और चौ वर्ग हो जाता है। तो इसी प्रकार हम आप आगे बात करते हैं स्टुत्व संधि, यानी स्टुत्व संधि क्या है, यानी स्टुत्व संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है इष्टु नास्टु। अर्थात यह सूत्र क्या करता है, अर्थात जब हमने देखा कि जो पूर्व पद है, उस पूर्व पद के अंत में, उस पूर्व पद के अंत में यदि सकार होगा, यानी दंत सकार होगा, अथवा तव वगैरह होगा, त थ द ध न का कोई भी व्यंजन हो, और उत्तर पद के आदि में सकार यानी मूर्धन्य सकार, अथवा ट वर्ग हो, ट ठ ड ढ हो, तो वहां क्या होगा, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार जो सकार है उस ट वर्ग हो जाता है, यानी वहां क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार और ट वर्ग हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के जैसे आप देखिए, जो पूर्व पद है, उस पूर्व पद में यदि क्या होगा, सकार होगा, और उत्तर पद में सकार क्या होगा, तो वहां क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, शब्द है रामस षष्ठ, तो रामस षष्ठ में हमने देखा जो पूर्व पद है, यानी पूर्व पद यानी जो दंत सकार है, उस दंत सकार के बाद क्या आया, मूर्धन्य सकार, दंत सकार के बाद क्या आया, तो मूर्धन्य सकार जब आया, तो उसे क्या हुआ, मूर्धन्य सकार हो गया, तो शब्द क्या बना, रामस षष्ठ, यानी रामस धन षष्ठ। ऐसी कृष्णस टीकते, शब्द क्या है, कृष्णस टीकते, तो जब हमने इसमें संधि करी, तो संधि करने के बाद क्या हुआ, कृष्णस धन टीकते, यानी जो कृष्णस का स है और जो क्या आया, टीकते का ट, तो क्या हुआ, जो पूर्व पद में क्या है, सकार है,
और उत्तर पद में क्या है, टकार है, तो सब और संधि होके क्या बना, जो वर्ण जो परिवर्तन हुआ वह हुआ ट, यानी शब्द क्या बना, रामस टीकते। ऐसी शब्द एक और उदाहरण देखिए आप, तट टीका, तत धन टीका। अब तत में तकार और टीका में टकार, यानी तकार के बाद यदि टकार होगा तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, टकार हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार जो है आप चक्रिन ढोक से, चक्रिंधन ढोक से, कृष्ण शब्द है कृष धन न, और धनुष टकार, धनुष धन टकार, यानी जो धनुष धन टकार, इसी प्रकार इष्ट इस धन तह, यानी इस प्रकार से जो इष्टोस चुनासु जो सूत्र है उस सूत्र से क्या हुआ, इष्टुत्व संधि हुई। यानी इष्टुत्व संधि का मतलब, यानी जहां पर जो है पूर्व पद क्या होगा, सकार होगा, उत्तर पद में क्या हो जाएगा, उस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा और तकार को क्या हो जाएगा, टकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जो स्टुत्व संधि है इसको हमने जाना। इसी क्रम में हम एक और संधि को आज जानेंगे, वह है पदांत जसत्व संधि। अर्थात पदांत जो जसत्व संधि है उस जसत्व संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है झलाम जसोते। यानी झलाम जसोन्ते क्या करता है, जो पदांत हैं यानी पद के अंत में, यानी पदांत झल वर्णों के बाद, जो पदांत हैं उन पदांत झल वर्णों के बाद अस हो तो उस झल के स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। अर्थात क्या हुआ, यदि पूर्व पद के अंत में कोई झल वर्ण हो, झल वर्ण यानी वर्ण का जो हमारे जो कुचू टू तू पू है उस वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और क्या होगा, सकार स स स और ह वर्ण हो तो उसको क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी जो अंतस्थ हैं, जो अंतस्थ क्या है, य व र ल, और अनुनासिक कौन है, यम गण न, यानी इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके जो है किसी भी व्यंजन के बाद जो है किसी भी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण और स्वर वर्ण हो तो वह पूर्व जो व्यंजन है उस व्यंजन के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। यानी हमने देखा कि यदि जो पहले शब्द होगा, यानी जो पहले शब्द के अंत में वर्ग का क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और स मूर्धन्य सकार अक्षर होगा, तो वर्ग का जो तीसरा चौथा और स्वर और य व र ल हो तो वहां पर क्या हो जाता है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जो पहला शब्द है उस पहले शब्द का अंतिम अक्षर बदल करके वर्ण का जो तीसरा अक्षर वहां पर हो जाता है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से यहां पर जानेंगे, जो उदाहरण के माध्यम से हम देखिए, यहां पर एक शब्द है वाग ईस, यानी वागीस जो शब्द है वहां पर आपने देखा वाक धन ईस। अब यहाँ पर जो वाक धन ईस है, वाक में क्या है, क वर्ग है, तो हमने क्या कहा कि तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो वाक धन ईस यानी क ख ग, यानी वाक में क है तो तीसरा वर्ण क्या हुआ, ग, तो क्या बना, वाक धन ईस, तो शब्द क्या बना, वागी सह। तो यानी झल वर्ण जो हैं, झल वर्ण कौन कौन से होंगे, क ख ग घ, छ झ यो, च छ झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब और स स स ह, यानी ये शब्द जो है क्या है, हमारे झल वर्ण है। अब अस क्या है, अस वर्ण है जो स्वर वर्णों के जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य व र ल, ये हो क्या है, अस, यानी झल वर्णों के बाद यदि अस होगा तो उसे क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जस में क्या कहा मैंने, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग को क्या हुआ, ग, च वर्ग है च को क्या हुआ, ज, ऐसी ट वर्ग है ट वर्ग को क्या हुआ, ण, और त वर्ग है त वर्ग को क्या हुआ, द, प वर्ग है प वर्ग को क्या हुआ, ब। यानी इस प्रकार से जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण वहां पर हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, शब्द है अजंत, अजंत में क्या हुआ, अच झन अंत, यानी आप चकार आ गया, अच में क्या है, चकार है, तो चौ में क्या हो गया, जो हमने देखा कि तीसरा वर्ण कौन सा है, च छ ज, यानी अज धन अंत, शब्द क्या बना,
अजंता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पदांत झलाम झसोंते जो सूत्र है वह स्पष्ट रूप से यहाँ पर संधि में आपको दिख रहा है। ऐसी है षड दर्शन। षड दर्शन शब्द है उसमें आप देखिए षट धन दर्शन संधि हमने करी तो षड धन दर्शन बना। तो षट में टकार है, अब ट में क्या आया, ट ठ ड, तो क्या बना, षड धन दर्शनम, शब्द क्या बन गया, षड दर्शनम। इसी प्रकार जगदीश शब्द है जगत धन ईसह, यानी जगत में आपने देखा त तो वर्ग का है तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण क्या होगा, त तो थ द, यानी जगत धन ईसह। ऐसी अबजह शब्द है यानी झंझलों के बाद यदि अस होगा तो उसे जस हो जाएगा। यहाँ पर अप में देखिए आप प है तो प फ ब, क्या शब्द क्या बना, अबजह। तो इस प्रकार से हम जो है दिगंबर शब्द है, महद्धनम है, वाग देवता है, यानी इस प्रकार से हम जो है झलाम झसोंते सूत्र क्या करता है, झलों को जस करता है। इसी क्रम में हम अपदांत जसत्व संधि होती है एक, ये तो थी पदांत जसत्व संधि, एक और है जो क्या करता है अवदांत जसत्व संधि, ये क्या है, झलाम झस झसी, यानी जो झलाम झस झसी है यानी झलाम झस झसी क्या करता है झलों को, यानी अपदांत जसत्व संधि का क्या करेगा, यानी पूर्व पद के जो झल वर्ण हैं, यानी पूर्व पद में क्या होगा झल वर्ण, झल वर्ण क्या, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और स स स वर्ण हो, और उसको क्या हो जाएगा जस, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उस संधि को हम क्या कहते हैं, जसत्व संधि कहते हैं, यानी अपदांत जसत्व संधि हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देखिए एक शब्द क्या है, लब्धाहा, तो लब्धा शब्द जब हमने देखा लभ धन धा, अब भौ जो है प फ भौ, तो क्या बना, लभ धन धा। ऐसी दुग्धम शब्द है दुध धन धमह, तो क ख ग घ, यानी तीसरा वर्ण क्या बना, क ख ग, यानी दुग धन धमह। ऐसी सिद्धि शब्द है तो सिद्धि शब्द में आप देख रहे हैं ध आया तो तीसरा वर्ण क्या हुआ, द, तो सिद्ध धन धी। ऐसी उपलब्धि शब्द है उपलब्ध धन धी, तो भ आया तो भ में क्या आया, प फ ब, यानी उपलब्ध धन धी। ऐसी बुद्धि शब्द है बुध धन धी, यानी धकार में उसके बाद क्या आया, कौवर ध को क्या हो गया, द, बुध धन धी शब्द यहाँ पर हो गया है। इस प्रकार से हम जो है अवदांत जसत्व संधि को हमने जाना। इस प्रकार आज हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, पदांत जसत्व संधि, अवदांत जसत्व संधि के भेदों को जाना। अगली श्रृंखला में हम इसी व्यंजन संधि के अन्य भेदों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।